तो गाइस यस मैथमेटिक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मैथ का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को सीखने से पहले या मैथ को सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर किसके अंदर आता है और कहाँ रखा जाता है। ठीक है गाइस, तो आज हम आपको सिखाते हैं नंबर सिस्टम। देखिए गाइस, नंबर सिस्टम हिंदी में इसका नाम होता है संख्या पद्धति। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें गाइस, तो डेफिनेशन क्या होती है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थात नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिस्टम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, जिस सिस्टम का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो लिख लेना, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करेंगे वो क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में जैसे आप समझ लिए डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है गाइज, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हो गया, ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है गाइज, तो दशमलव इसका नाम क्यों है, हिंदी के नाम से क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिजिट्स यूज करते हैं वो जीरो से नाइन तक यूज करते हैं। ठीक है, और जीरो से नाइन तक जो डिजिट्स हो जाएंगे आपके गाइज, वो कितने हो जाएंगे, टेन डिजिट्स हो जाएंगे, तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है दस। ठीक है, तो दस डिजिट हम यूज करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जीरो टू नाइन। ऐसी अगर हम बात करें, वो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब हो गया द्विधारी संख्या पद्धति। ठीक है गाइस, द्विधारी का मतलब इसके नाम से क्लियर हो गया, बाइनरी या आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा जिसमें हम केवल दो डिजिट्स यूज करते हैं, जीरो और वन, इसलिए इसका नाम क्या है गाइस, बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब हमें पढ़ना क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम्स को पढ़ना है, अर्थात संख्या, दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स यूज किए जाते हैं, जीरो टू नाइन, अर्थात टेन डिजिट्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है गाइस, दशमलव संख्या पद्धति है। ठीक है, अब अगर इन डिजिट्स को हम यूज करके कोई भी नंबर बना ले, सपोज 5000, ठीक है, 5725 कोई एक संख्या ले ली, 25 यहाँ पे हटा दो, ये ले लिया। ठीक है, ये इन डिजिट्स को यूज करके ही तो हमने एक नंबर बनाया है। ठीक है, अब ये जो नंबर बना है ना गाइस, इसको देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है, इन नंबर से हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं, एक तो होता है फेस वैल्यू, क्या होता है गाइस, फेस वैल्यू, और एक होता है गाइज प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मान होता है अंकीय मान, अर्थात जो अंक है उसका मान क्या है, ठीक है, अंकीय मान, और इसका मान होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है गाइज, ध्यान से देखना, अब जो फेस वैल्यू होता है वो तो कभी चेंज नहीं होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूनिट प्लेस पे हो, मतलब इकाई के अंक पे हो, ढाई के अंक पे हो, यूनिट पे हो, टेन पे हो, थाउजेंड प्लेसेस पे हो, बट आपका कभी भी क्या होगा, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर इसमें हम 4 के फेस वैल्यू की बात करते हैं, अभी केवल फेस वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे इन सब की अगर फेस वैल्यू 4 की 4 होगी, 2 की क्या होगी, 2 होगी, 7 की क्या होगी, 7 होगी, और 5 की क्या होगी, 5। तो ये सब क्या है, फेस वैल्यू है गाइस। ठीक है, अगर यहीं से अभी मैं इन सब का क्या बताऊँ, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए वो पोजिशन पर डिपेंड करता है, जैसे 5000, ठीक है, 724, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू 1, यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20000, 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस कितना हो जाएगा 700, और ये 1000 प्लेस पे है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो प्लेस वैल्यू है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, बट फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेज नहीं आती। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो नंबर है आपका यूनिट प्लेस नंबर, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो फेस वैल्यू है और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो दोनों सेम आया, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किस नंबर्स का सेम होगा, जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा, यूनिट प्लेस अर्थात इकाई का अंक जो होता है उसका स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ये पॉइंट डाल के लिख लीजिए इकाई, ठीक है, यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस हिंदी वाली लिख ले इकाई का अंक, ठीक है, यूनिट प्लेस, ठीक है,
नंबर का ठीक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू वो था सेम। तो केवल एक ही ऐसा नंबर होता है जिसकी क्या होती है अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों सेम होंगे, जो भी इकाई का अंक, ये फोर से ही डिपेंड नहीं है, मतलब इकाई के अंक पे जो भी होगा उसका अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों क्या होंगे गाइज सेम होंगे। ओके गाइज अब आपको मैं सिखा दूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो संख्याओं का वर्गीकरण होता है उसमें क्या स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का मतलब ये हो गया कि ऐसी बहुत सारी, मतलब जिसमें रियल नंबर्स भी हों और इमेजिनरी नंबर्स भी हों, अर्थात बहुत सारे नंबरों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र कहलाता है, अर्थात सभी संख्याओं का क्या मिक्सचर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, देखिए एक तो आपका पार्ट होता है रियल पार्ट। ठीक है, एक तो रियल नंबर और दूसरा होता है आपका गाइज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये जो होता है वो उसका नाम से ही क्लियर है, काल्पनिक संख्याएं। तो पहले आपको मैं काल्पनिक संख्याएं बताता हूं जिसका मैटर यहीं पे खत्म करते हैं। एक वर्ड होता है आयोटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं गाइज, आयोटा। आयोटा होता है क्या है, जो अंडर रूट माइनस वन होता है ना गाइज, अंडर रूट माइनस वन, अर्थात अंडर रूट के अंदर जो माइनस वन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई होती है। ठीक है गाइज, अब अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ले तो ये तो मेन नंबर हो गया। अब यहाँ से बहुत सारे नंबर से निकाल रहे हैं। ठीक है गाइज, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस वन, और ये क्या हो गया, आई स्क्वायर। तो आपने देखा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो चुकी है, माइनस वन। ठीक है गाइज, अब दोनों तरफ फिर से अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर ले, देखते रहना गाइज, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, तो ये माइनस वन की मल्टीप्लाई तो ये माइनस आई, और इधर कितना हो गया, आई क्यूब। तो आई क्यूब की वैल्यू आपको समझ में आ गई कितनी होती है, माइनस आई होती है। फिर से आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है गाइज, तो आई क्यूब इंटू आई, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आई की पावर कितना हो जाएगा गाइज, फोर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से उठा लें कितनी होती है, माइनस वन, तो ये हो गई माइनस वन, और ये कितना हो गया, आई की पावर फोर। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, प्लस। तो गाइज यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आया है कि आई की पावर जो फोर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है गाइज, तो आपको ये चार नंबर याद रखने हैं, आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन, आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, और ये आई क्यूब माइनस आई होता है, आई की पावर फोर क्या होता है गाइज, वन होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कुछ तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे कंपटीशन में नहीं आते हैं, जैसे आई की पावर क्या दे दिया, 25 से की वैल्यू पूछ ली, तो क्या करोगे आप, इसकी आई की पावर फोर में कन्वर्ट कर दो, तो आई की पावर फोर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ले लिया फोर, ठीक है, और यहाँ कितना, सिक्स, तो सिक्स पावर के ऊपर जब पावर ऐसे लिखा हो, एक्स स्क्वायर और इसकी पावर थ्री लिखी हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स की पावर सिक्स, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ फोर टू फोर की सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और एक आपके पास ये, तो आई की पावर फोर कितनी वैल्यू होती है, वन। ठीक है, और वन की वैल्यू सिक्स इंटू आई, तो आप समझ रहे हैं ये कितना हो गया, वन, और इंटू आई, तो कितना आ चुका, आई आ चुका। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछ ले, आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 202 प्लस आई की पावर 50, अगर इसकी वैल्यू पूछ लेता तो आप क्या करें, सिंपली चार पावर में तोड़ेंगे, चार पावर में इसको तोड़ेंगे, तो चार और चार की 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 100, और एक बचा उसको इधर लिख दिया, अब ये 200 है। ठीक है गाइस, समझ लेना, तो इसकी पावर चार की और इसका कितना कर दिया, 50, तो ये कितना, 50 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो चुकी है, 200, अब कितना बचा होगा, 2, तो उसको बाहर लिख दो, और ये कितना, 50, तो आई की पावर 4, तो यहाँ पे 12 चौक कितना होता है, 48, 2 बचा होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आई की पावर 4 कितना होता है, 1, और 1 की पावर 25, तो फिर से कितना हो जाएगा, 1। आप समझ लीजिए, अगर सीधे अंदर कितना हो गया,
आई की पावर फोर, उसकी पावर फिर कुछ भी हो तो वन ही आ जाएगा, ठीक है। और इन टू आई, और यहाँ से आई की पावर फोर, ये भी वन, और इन टू आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, माइनस वन। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी आई की पावर फोर हो जाएगा गाइज, तो आई की पावर फोर वन हो गया, इन टू आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो ये कितना होगा आई, ये माइनस प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस। तो कितना हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो इसलिए अब इमेजिनरी का केस जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपको जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जितने भी कंपटीशन में तो होता है वो रियल नंबर्स पे आता है, ठीक है गाइज। अगर ये आ जाता है तो आप इतना नोट कर लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है गाइज। ओके चलो अब रियल नंबर्स देखते हैं, ठीक है गाइज। तो रियल नंबर भी क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनको, ठीक है गाइज। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर तुम्हारे दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, जैसे एक तो डेसिमल पार्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर, ठीक है गाइज। डेसिमल नंबर वही दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है, ठीक है गाइज। और जो दूसरा पार्ट इसका होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, इंटीजर। दशमलव मतलब जो पॉइंट्स के बाद के नंबर होंगे वो सारे दशमलव में आ जाएंगे, इंटीजर मतलब जो 1, 2, 3, 4 वो इस तरह से किस में चलेंगे, तुम्हारे इंटीजर्स में चलेंगे, ठीक है। इंटीजर्स मतलब ये होता है आपका पूर्णांक, ठीक है गाइज। तो ये किस में आ जाएगा, तुम्हारा पूर्णांक में। तो यहाँ दो पार्ट्स में हुआ, रियल नंबर, एक डेसिमल नंबर और दूसरा इंटीजर्स में डिवाइड हुआ। तो आइए गाइज, आपको सबसे पहले जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें वो पढ़ाऊंगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप ऐसी एरो बना लीजिए, उसी के नीचे लिखते रहिए, बट मैं इसको इरेज करके अलग से लिखता हूँ, ठीक है गाइज। डेसिमल नंबर, ठीक है गाइज, यहां से देखते हैं डेसिमल नंबर, हिंदी लिख लेना दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है गाइज। यहां से अच्छे से समझ लीजिए, इसके दो पार्ट्स बनाऊंगा मैं, एक पार्ट इधर बना रहा हूँ, एक पार्ट इधर बना रहा हूँ, ठीक है। एक तो कौन सा पार्ट होता है जो रिपीट करता है, ठीक है, मतलब एक तो रिपीटिंग, मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। जो डेसिमल नंबर्स होंगे आपके वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है गाइज। इरेशनल, पहले रेशनल लिख लीजिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्याएं, ठीक है गाइज, परिमेय संख्याएं। और दूसरा जो आएगा वो इरेशनल आएगा, इरेशनल का मतलब हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है गाइज। अगर जो दिखाई ना दे मैं बोल रहा हूं उसको आप समझिए, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। अब आप पहले बात करते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो पहले इसकी एक किसके पॉइंट्स बताता हूं, पहले वो नंबर जिन्हें हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, वो नंबर, नंबर या वो संख्याएं, वो नंबर जिन्हें पी अपान क्यू की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म लिखा जा सके, लिखा जा सके, ठीक है। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट Q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात वो सारी संख्याएं जिनमें 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 5/6, ये सारी संख्याएं कैसी होंगी, परिमेय, क्योंकि सारी की सारी कैसी लिखी जा रही हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा रही हैं, बट Q जीरो नहीं है। दूसरा इसी में पॉइंट्स देख लेते हैं गाइज, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब जो रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, या टर्मिनेटिंग नंबर समझ लीजिए, पहले टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं गाइज, रेशनल में। टर्मिनेट का मतलब मैं समझा देता हूं, जैसे 5 पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अर्थात जिसका अंत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, फिनिश हो जाए, 5 पॉइंट, ये जैसे 8, 2, 3, 4। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे कैसे बताता हूँ कैसे फिनिश होगा, जैसे यहाँ पे आपने 5 को 5 से डिवाइड किया 8 को, ठीक है, तो 5 बन जा कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ से 3 उतार लिया, ठीक है, नहीं लगेगा 0, 5 6 जा 30,
मतलब वो पॉइंट के दो तीन चार के बाद पूरा पूरा क्या वो कट जाए, अगर वो पूरा पूरा कट गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, अर्थात तो उसका अंत हो जाएगा। तो वो सारे के सारे ऐसे नंबर किस में आ जाएंगे, आपके परिमेय संख्या में आ जाएंगे। ऐसे कितने भी नंबर हों बट पॉइंट के बाद खत्म हो जाए तो वो नंबर किस में होंगे, परिमेय में होंगे। ठीक है, अब एक तो तीसरा पॉइंट इसका समझ लीजिए, परिमेय पहले नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखे, सेकेंड वो टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए और थर्ड नंबर रिपीटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो नंबर रिपीट भी कर रहा है, रिपीटिंग नंबर, ठीक है रिपीटिंग नंबर है तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे 1.333 अब ये चलने लगा 33। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.3 पे बार, अब ऐसे 1.454545 चल रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1.45 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, या इस तरह का कोई नंबर 1.372, अब आगे 7272 चलने लगा, मतलब वो बाद लास्ट के नंबर जो है वो रिपीट करने लगे तो वो नंबर भी आपका क्या होगा, और जो रिपीट करेगा बार उसी पे लगेगा। अर्थात ये नंबर क्या हो जाते हैं, जो रिपीटिंग नंबर होते हैं। रिपीटिंग कैसे आते हैं, जैसे हम डिवाइड कर लें 10/3, अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे जब 10 को, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 1 आ गया गाइज। अब 1 आने के बाद यहाँ से देख रहे हो क्या हो जाएगा, फिर से पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 1, फिर 0, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 3.3 पे बाहर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल के अंदर जो रेशनल पार्ट होता है उसकी क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं, कि वो सारे नंबर जिन्हें पी अपान क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके रेशनल हो जाएंगे, और टर्मिनेटिंग नंबर वो होंगे जो भाग करने के बाद पूरे पूरे कट जाए। ठीक है, और ऐसा नंबर जो रिपीट कर जाए कुछ नंबर आने के बाद, ठीक है, तो वो नंबर भी क्या होगा, आपका रेशनल होगा। तो ये सारे के सारे आपके कैसे हो गए, अब इसी में जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है, ऑल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब सभी भिन्न, वो भी किस में आ जाएंगी, वो भी आपकी क्या होंगी, रेशनल नंबर में होगी। क्योंकि भिन्न कैसे होता, 1/2, 5/6, 7/8, 9/2, तो ये सारी नंबर्स किस में आ जाएंगे, ठीक है, इसी में आ जाएंगे। अभी मैं लिख देता हूं यहां पे, नेचुरल नंबर भी किस में होंगे आपके, नेचुरल नंबर्स भी किस में आ जाएंगे, परिमेय में आ जाएंगे। अभी जब नेचुरल समझाएंगे, नेचुरल होता है क्या है गाइज, 0 1 2 से लेके, सॉरी 1 2 3 से लेके, मतलब चलता ही रहेगा जहां तक हमें नंबर पता, तो इन सबके अपॉन में 1 लिखा जा सकता। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके, ठीक है, रेशनल हो जाएंगे। अब ये भी रेशनल हो गए, और एक पॉइंट बता देता हूँ, अब होल नंबर्स जो होंगे, होल नंबर्स का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, तो इसमें 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 4 5 ये भी चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब हम समझिए, इन सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पी 0 है बट क्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके अपॉन में अगर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, तो ये सारे नंबर भी कैसे हो जाएंगे तुम्हारे, होल नंबर जो होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर में आ जाते हैं। सभी फ्रैक्शंस भी रेशनल में आ जाती है, नेचुरल नंबर भी किस में आ जाते हैं आपके, ठीक है, रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो अब आपने क्या सीख लिया, रेशनल सीख लिया, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट अब कैसे करेंगे, अगर इसका अपोजिट लिखते जाइए तो वो किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, ना लिखा जाए, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ना तो वो रिपीट कर रहा हो, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा हो, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे आपके, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब सारे रूट के अंदर जिस ऐसे नंबर जैसे √2, √3, ठीक है गाइज, √5, ये सारे नंबर ऐसे जिनको हम बाहर नहीं कर सकते, वो भी सब कैसे होंगे, अपरिमेय में होंगे, ठीक है, अर्थात रेशनल में होंगे। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, जैसे पाई होता है, ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 जो होती है वो हमने ऐसी मान ली है, अप्रोक्सीमेटली मान ली है, बट ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। 22/7 की जो वैल्यू है, जो पाई की वैल्यू है, वो लगभग पॉइंट के 5 अंकों तक सेम होती है, ठीक है, 5 अंकों के बाद 22/7 रिपीट होने लगता है, और पाई लगातार रिपीट नहीं होता, वो आगे चलता रहता है, पॉइंट के बाद उसके नंबर बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद 5 अंकों तक दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हमने पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। बट 22/7 अभी क्या दिख रहा है आपको, एक फ्रैक्शन भिन्न दिख रही है, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप ये जो 22/7 आएगा वो परिमेय में नहीं होगा, ठीक है, सॉरी अपरिमेय में नहीं होगा, वो परिमेय होगा, ठीक है। और ई
ये होता है 2.7 वन समथिंग, ये भी चलता रहता है। तो ये दो ऐसे नंबर हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दोनों कैसे हैं अपरिमेय नंबर हैं। ठीक है गाइज, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, आप लिख लेना, अभी अलग से ही बताता हूँ। ठीक है, तो आप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। तो अगला टॉपिक अभी यहाँ से देखते हैं, अब मैं इसको आप नोट करना कर लीजिए। ठीक है गाइज, चलो आगे अभी इसी के बाद में बताता हूँ मैं रेशनल कैसे निकालते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं या दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए आप, दो परिमेय, परिमेय का मतलब रेशनल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, आवाज को भी सुनना जिसे बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है अनंत, अब परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय भी होती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्याएं चल रही तो उनके बीच में अपरिमेय नहीं आएंगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है गाइज, पहला पॉइंट ऐसी सेम, दूसरा पॉइंट जस्ट ऐसा ही, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच। अब यह क्या कर दूं मैं, इसी पॉइंट को लिख लीजिए, अब इसी में थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याएं, अगर हम क्या ले लें, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, कैसे निकालते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब जैसे ए और बी के बीच परिमेय संख्याएं, ठीक है, ए और बी के बीच की परिमेय संख्याओं का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन, वेयर यहाँ पे के इक्वल टू वन टू थ्री से नंबर रखते जाइए। अब ए दो तीन कुछ भी हो सकता है, यहाँ के बीच के सारे नंबर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो ए और बी के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है गाइस, आगे अगर हम बात करें इन्हीं के बीच में, अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, परिमेय पूछ लिया, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्याएं निकालो, तो क्या करेंगे गाइज, अपरिमेय निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली ध्यान से समझना इस बात को, टॉपिक को। ठीक है, अंडर रूट ए बी, थ्री अंडर रूट ए बी, ऐसी फाइव अंडर रूट ए बी, और ये क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है गाइज, इनके बीच में क्या कर सकते हैं आप, अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये किसके अंदर थे, डेसिमल, और डेसिमल किसके अंदर था आपका, रियल नंबर, अर्थात रियल नंबर आपका जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक तो डेसिमल का पार्ट मैंने समझा दिया है, और दूसरा था जो इंटीजर। अब बचा हुआ इंटीजर का पार्ट समझिए। ठीक है गाइज, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पूर्णांक। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, इंटीजर्स समझना है। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, अर्थात जो पॉइंटों में ना हो, सीधे एक दो तीन चार नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके, या वो माइनस में भी हो, मतलब कैसा होना चाहिए, वो इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लीजिए, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है गाइज, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर पूरा लिख लेंगे आगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा हो जाएगा गाइज आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, नाम इसका लिख लेना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और ये गाइज आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा, लाइन पढ़ा होगा नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखते गए, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे इधर चलता है, इधर क्या होता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो ये ऐसे चलता रहता है। और इधर से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर क्या होता है, बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट आने पे नंबर क्या होता है, घटता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से जो इधर के सारे नंबर्स होते हैं, ये
इन्फाइनाइट तक, ठीक है गाइज। तो वो सब किस में आते हैं, धनात्मक पूर्णांक में। और जो माइनस वन से लेके इधर तक जो होते हैं माइनस इन्फाइनाइट, ये सारे किस में आते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक में आते हैं। बट जीरो आपने देखा ना, तो ये पॉजिटिव के अंदर लिया गया और ना ही नेगेटिव के अंदर लिया गया। तो आप यहाँ से देखेंगे जो वन टू थ्री से लेके हमने इन्फाइनाइट तक नंबर लिया है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गए, और जो माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जो नंबर लिया वो किस में आ गया आपका, नेगेटिव में आ गया। अब बचा क्या गाइस, जीरो। तो जीरो ना तो तुम्हारा पॉजिटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। तो आप गाइस यहां से एक चीज समझ लीजिए, ये जो नंबर हुए आपके, ठीक है, यही नेचुरल नंबर्स भी होते। तो नेचुरल नंबर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फाइनाइट तक। इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं है गाइज, ये इन्फाइनाइट क्या है, एक आपका ओनली नोटेशन है, ठीक है, कि ये जहाँ तक हमें नंबर पता है ये नोटेशन लगा दिया कि इन्फाइनाइट, जितनी दूर तक हमें सारे नंबर्स पता हो। बट इन्फाइनाइट कभी इसमें नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं आपके, नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, वन टू इन्फाइनाइट, या इन्हें बोलते हैं वन टू काउंटिंग। जहाँ तक हम काउंट कर सकें वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं। अगर ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें जीरो और ऐड कर दें, आप क्या कर दें, जीरो और ऐड कर दें, तो बन जाता वही आपका होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो आपका और इंक्लूड हो जाता है, और ये इन्फाइनाइट तक ऐसे ही क्या होता है, चलता रहता है गाइस, ठीक है। तो ये जीरो से इन्फाइनाइट तक। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, किसमें, होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्याओं में आ सकती हैं। तो बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि वन टू ये वन से स्टार्ट हुआ है और ये गाइस जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बट सभी होल नंबर आपके प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर जीरो आता है और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो नहीं आता। तो ध्यान रखिए, सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे, होल नंबर होंगे, बट सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो समझ में आया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, और जीरो किस में होता है, ना तो पॉजिटिव में होता है और ना ही नेगेटिव में होता है, ठीक है गाइस। अब इनको एक और इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसे हम इवन ऑड में लिखते हैं, उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, जैसे क्या होता है, इवन नंबर होता है, दूसरा ऑड नंबर होता है, ये भी क्या है आपके इंटीजर्स में है, ठीक है, इवन ऑड। इवन सिंपली आप ऐसे समझिए, जो नंबर दो से क्या हो जाए, डिविजुअल हो जाए, ठीक है, डिविजुअल बाई टू, अर्थात जिसको भाग देने पे क्या हो, टू से भाग करें और वो नंबर कट जाए, तो वो नंबर कैसा होगा, इवन। इवन का मतलब हिंदी में क्या होता है, सम संख्या, ठीक है गाइस। या सीधे सीधे समझ लीजिए, जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, अगर जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो आपका कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। ऑड का हो मतलब इंग्लिश में ऑड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विषम बोलते हैं, ये क्या होगा, नॉट डिविजुअल बाई टू, अर्थात ये दो से भाग नहीं जाएगा, नॉट डिविजुअल बाई टू, ठीक है। अर्थात इसका भी बोले लास्ट डिजिट क्या होगा, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है गाइज। और जीरो कैसा होता है, जीरो एक इवन नंबर होता है, क्योंकि जीरो क्या होता है, टू से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए जीरो किस में आएगा, क्योंकि जीरो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो टू से भी डिवाइड होगा, टू से सारे नंबर डिवाइड होने वाले कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक है गाइज। तो जीरो किस में आ जाएगा, एक इवन नंबर में आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आप समझिए इसी में, ठीक है गाइज। अब आपके लिए मैंने क्या पढ़ा दिया, इंटीजर्स, इंटीजर्स के पार्ट पढ़ा दिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर पढ़ते हैं, अब किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। बाद में मैं सभी एक साथ टेबल बना के बता दूंगा कौन सा नंबर किसके अंदर आया था। अभी क्या पढ़ना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब धनात्मक पूर्णांक, आगे क्या लगा लेना है, धनात्मक लगा लेना है। तो धनात्मक पूर्णांक के अंदर कुछ पढ़ना है, इसमें क्या होता है, ठीक है, एक तो होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है गाइज, क्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब आप समझते होंगे, जिसे बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है गाइज। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है हिंदी में भाज्य संख्या, ठीक है गाइज, भाज्य संख्या। अब ये क्या होता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली एंड ओनली दो ही फैक्टर हों, ठीक है, दो से ना तो कम फैक्टर होने चाहिए और ना ही दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, प्राइम नंबर्स हैव ओनली, प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, और वो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, वन एंड इट्सेल्फ, ठीक है गाइज, एक तो वन से कटेगा और दूसरा स्वयं से ही कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। अब सबसे पहला नंबर हम स्टार्टिंग करते हैं वन से, पॉजिटिव के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, वन, और वन के देखो इट्सेल्फ भी बनी है और वन भी बनी है, तो इसके केवल एक ही फैक्टर तो हुआ गाइज, वन, तो इसके दो फैक्टर हुए ही नहीं, जब इसके दो फैक्टर नहीं हुए तो वन प्राइम नंबर नहीं होता। तो वन हम यहाँ पे लिख देंगे, वन इज नाइदर प्राइम एंड, ठीक है, वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, तो ये क्या होगा, ना तो आपका प्राइम संख्या ना तो अभाज्य होगा और ना ही भाज्य होगा। तो ध्यान रखिए वन अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब वन के बाद किससे स्टार्ट करते हैं गाइस, टू से। अब देखो टू एक तो वन से कटेगा और खुद टू से कटेगा, तो इसके दो फैक्टर हो गए, ऐसी तीन, वन से कटेगा और तीन से कटेगा। अब चार, चार के लिए नहीं, वन से भी कटेगा, टू से भी कटेगा, फोर से भी कटेगा, और केवल दो फैक्टर नहीं है, इसके तीन फैक्टर हो गए, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है गाइज। तो अभाज्य संख्या आप समझ में आ रही होंगी कौन सी होती हैं, टू थ्री फाइव सेवन, नाइन नहीं होगा कट जाएगा, ठीक है, इलेवन, ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो एक अब मैं पॉइंट बता देता हूँ, जो वन टू फिफ्टी अगर हम देखें तो इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं गाइज, पंद्रह, ठीक है, कितनी होती हैं, पंद्रह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे अगर बात करूँ पचास तक, अब मैं फिफ्टी वन टू हंड्रेड की बात करूँ तो यहाँ इसके नीचे कितनी होती हैं, दस अभाज्य संख्या होती हैं, इक्यावन से लेके कहाँ तक, पचास तक, ठीक है, सॉरी सौ तक। अब अगर हम वन टू हंड्रेड देखें, वन टू हंड्रेड एक से सौ तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो इनको जोड़ लीजिए तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी, पच्चीस अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है गाइस, समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला अब इसी की बात करते, कंपोजिट क्या होता है फिर, कंपोजिट वो होता है जिसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, तीन फैक्टर होने चाहिए। तो क्या लिखें, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर हैव एट लीस्ट थ्री फैक्टर, कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए। ऐसी वो सारी संख्या है जिनके कम से कम तीन फैक्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो तो वो सारे सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखो वन तो इधर आ गया, टू इधर आ गया है और थ्री भी इधर आ गया है, ठीक है गाइज, ये टू है और ये थ्री है, तो वन टू थ्री, अब क्या बचा, फोर। अब फोर देखिए किन किन से कटता है, कैसे निकालते हैं फैक्टर, तो वन के साथ फोर और टू के साथ भी कितना जगह टू, और इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर रिपीट करते नहीं है, तो ये कितना आ गया, फोर आ गया। तो सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर कितना हो गया गाइज, फोर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, फाइव तो इधर ही आ गया, सिक्स हो जाएगा, वन टू और थ्री से कटेगा, एट हो जाएगा, एट के बाद नाइन भी हो जाएगा, ठीक है, ट्वेल्व हो जाएगा, ऐसे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, टू। एक तो ऐसे भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी पूछ लिया जाए, ठीक है गाइज, क्या
इवन प्राइम नंबर भी पूछ लिया जाए तब भी क्या होता है, दो एक ऐसी सम संख्या है, सम संख्या मतलब एक ही ऐसी सम संख्या है जो क्या है प्राइम है, वो कौन सी है, दो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तब भी टू लिखेंगे, या ओनली इवन प्राइम नंबर पूछा जाए आपसे, इवन प्राइम नंबर, ठीक है गाइस, क्या पूछा जाए, इवन प्राइम नंबर मतलब सम भी है और साथ में अभाज्य भी है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, टू। तो ये दोनों आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर टू है, और ठीक है इवन प्राइम नंबर भी क्या है आपका गाइस, टू है। तो आपको समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, वन किसी भी कैटेगरी में नहीं आया, ना तो कंपोजिट में आया और ना ही प्राइम में आया, ठीक है। और ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केबल और केबल क्या होते हैं गाइस, दो ही फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर सारे नंबर्स आप समझ जाएंगे कौन कहाँ रखा जाता है। तो गाइज आज मैं आपके लिए केवल ये थ्योरी समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ऐसी थ्योरी चलेगी, ठीक है। जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होती है इस चैप्टर की, फिर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक को लेके, एक टॉपिक की एक वीडियो सिंगल बनेगी। अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब होता है अपेक्षिक संख्या, अपेक्षिक संख्या, ठीक है, अपेक्षिक प्राइम भी है तो अभाज्य हो गया, ठीक है, अभाज्य संख्या। ये क्या होता है रिलेटिव प्राइम नंबर्स, क्या होता है ऐसे दो नंबर्स का सेट जिनका SCF, SCF का मतलब उनमें कॉमन केवल वन ही होना चाहिए, ठीक है, उनका SCF क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए गाइस, ठीक है। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका SCF कितना होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए, तो वो नंबर्स किस में आ जाएंगे, आपके रिलेटिव प्राइम्स में आ जाएंगे। सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग SCF, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेना, सेट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ टू नंबर्स हैविंग HCF, HCF को हिंदी में बोलते हैं मसाफा, HCF इज वन, ठीक है। ऐसे कोई भी पेयर, वो जरूरी नहीं होने चाहिए प्राइम हो, उनका सेट ऐसा बनना चाहिए, जैसे तीन पाँच ले लिया, ठीक है, 9, 11 ले लिया, तो यहाँ पे 9 आप देख रहे हैं कैसा नंबर दिख रहा है, मतलब प्राइम नहीं है, बट फिर भी क्या है ये सेट बना रहा है, मतलब इन 9 और 11 के बीच में कैसा नंबर है, 9 और 11 का कॉमन नंबर क्या है, केवल बनी है। तो ऐसे वो सारे सेट किस में पहुँच जाएंगे, आपके रिलेटिव प्राइम में पहुँच जाएंगे, समझ में आया होगा रिलेटिव पॉइंट, ठीक है। सेकेंड अगर बात करूँ मैं, ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य क्या होता है गाइस, इसको भी देख लीजिए, यहां पे दोनों ही नंबर प्राइम होने चाहिए, ठीक है, सेट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, हैविंग SCF इज वन, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, खाली नंबर नहीं लिखेंगे यहां पे, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग HCF इज वन, यहाँ पे दोनों के दोनों ही प्राइम होने चाहिए, जब दोनों प्राइम है तो आपको समझ में ही आ रहा होगा क्या होगा, उनका SCF वन ही होगा, तो ऐसे सारे लिखें। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स एवरी को प्राइम नंबर, एवरी को प्राइम नंबर इज रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, बट एवरी रिलेटिव प्राइम को प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे नहीं आ चुका है, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन एक और देख लीजिए, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर की, किसकी गाइज, ट्विन प्राइम नंबर, ये भी डेफिनेशन इसके नाम से ही क्लियर है, यहां पे क्या आ रहा है, ट्विन का मतलब टू, ऐसे टू प्राइम नंबर्स जिनका गैप क्या होना चाहिए या डिफरेंस कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज टू, जैसे स्टार्ट करें, टू और थ्री नहीं हो सकता, टू फाइव ज्यादा हो जाएगा, तो थ्री और फाइव दोनों प्राइम है, गैप कितना है, टू है। अब सेवन के साथ नहीं ले सकते बट फाइव के साथ सेवन ले सकते हो, इलेवन थर्टीन हो सकता है, उनके बीच का गैप कितना चलना चाहिए गाइज, दो चलना चाहिए, तो वो सारे के सारे नंबर्स किस में आ जाएंगे, आपके ट्विन प्राइम में आ जाएंगे। तो गाइज तीनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम एंड
ट्वेन प्राइम। अब एक और क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ आपके लिए, एक और डेफिनेशन बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट नंबर। ठीक है गाइज, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी देखिए आप क्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर इसकी डेफिनेशन से समझ लीजिए कि कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपके लिए परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है क्या होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, उसके खुद के फैक्टर्स को छोड़ देना है, बट तभी उसके फैक्टर्स करना है। जैसे गाइज मैं बताता हूँ 28, अब 28 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो 1 के साथ 28 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिल जाएगा। अब 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें आपको 28 मिल जाए, 14 के साथ, 3 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो नहीं मिलेगा, 4 के साथ 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 28, 5 के साथ मिलेगा नहीं, 6 के साथ मिलेगा नहीं, 7 यहाँ पे आ चुका है, अब हो जाएगा रिपीट। तो कौन कौन से लिखने, इस ओरिजिनल नंबर को छोड़ देना है, तो 1, 2, 4, 7 और 14, अगर इन सारे नंबर्स का एड ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 1 और 2, 3, 4, 7 और 7, 14, और 14 और 14 कितना हो गया गाइस, 28। तो 28 कैसा नंबर होता है, परफेक्ट नंबर। तो इट इज क्लियर, 28 इज ए परफेक्ट नंबर। ऐसी एक एग्जांपल और देता हूँ आपके लिए, जैसे गाइस 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 के साथ 6 की मल्टीप्लाई, 2 के साथ 3 की, और 3 वापस आ चुका है, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 और ये कितना गया 6, तो 6 भी क्या है गाइज, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो आज आपके लिए, मैंने सारे नंबर सिस्टम को यहाँ पे ये बता दिया है कि कौन सा नंबर किसके अंदर रखना है। तो एक बार गाइस फिर से बता देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, टोटल एक साथ आपके लिए टेबल बना के कि कौन सा नंबर किसके अंदर आने वाला है। ठीक है गाइज, अभी आप सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है गाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोला था समिश संख्या। ये दो पार्ट्स में तोड़ा था आपके लिए, कौन कौन से पार्ट में तोड़ा था बताओ, तो पहले तो बोला था रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर एक वास्तविक संख्या, और दूसरा थोड़ा था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का तो केस वही खत्म हो गया था, इसके लिए फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक किया था। किस किस में ब्रेक किया था, एक तो डेसिमल में ब्रेक किया था, डेसिमल नंबर मतलब पूरा लिख लेना डेसिमल नंबर, और दूसरा इंटीजर में। ठीक है गाइज, उसके बाद डेसिमल को दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, एक तो रेशनल, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, और दूसरा हिंदी भी लिखते रहना हिंदी वाले, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर आपका पहले डेसिमल और इंटीजर्स में टूटा था, डेसिमल भी दो पार्ट्स में रेशनल इरेशनल में टूटा था, उसके बाद जो इंटीजर्स है वो भी दो पार्ट में, एक पॉजिटिव, ठीक है, खाली में प्लस का साइन लगा देते हैं इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में टूटा था, और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में टूटा था। ठीक है गाइज, अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स था इसको फिर से हमने इसके क्या करे थे, फैक्टर्स करे थे, किस किस में तोड़ा था, एक तो इसको प्राइम और दूसरा कंपोजिट में, ठीक है, इसके फैक्टर किए थे। ठीक है गाइज, अब एक फैक्टर इसका और किया था, एक तो इवन में बताया था एंड ऑड में बताया था। ठीक है, तो एक इसके एक फैक्टर यहां पे भी किया था कि इवन और ऑड में भी क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इंटीजर्स। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से क्या इतने सारे नंबर्स मैंने बताए थे, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस बताई थी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, प्लीज़ कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर